हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैंने चाय पी ली है। आर्यन स्कूल चला गया है और एक बिटिया रानी मेरी यहीं पे सो गई है। कभी कभी जो है ना, मेरी बिटिया इतनी जिद्दी हो जाती है, इतनी जिद्दी हो जाती है, क्या पूछिए बात। और स्कूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, स्कूल छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज से उठी नहीं मैडम फिर से। और यदि उसके पापा को पता चलेगा तो वो फिर गुस्सा करेंगे। तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है बच्चे हैं। और मेरे देख रहे हो, मैं बिल्कुल गंजी हो चुकी हूँ, मेरे सिर पे बाल नहीं है, फिर आगे पूरा बाल मेरे झड़ गए हैं। और बस ऐसे ही हो रहा है। पांडे जी है नहीं यहाँ पे, पांडे जी नहीं रहते हैं, फिर और भी गुस्सा करेंगे कि क्यों छोड़ भेजा तुमने। उन्हें कौन समझाए, देख ही रही है। और अभी उठेंगी भी नहीं, उठेंगी भी बहुत लेट। आज तो मुझे बहुत सारा काम है फ्रेंड। अभी मैं सोची थोड़ा सा सीन बना लेती हूँ। मैंने बनाया थोड़े से कदीमा गोभी और थोड़ा सा बना लेती हूँ सेम। सेम मुझे ऐसा है हमारे घर में कि हमको भी जो सब्जी पसंद होता है वो सब्जी पांडे जी को भी पसंद होता है। दोनों को सब्जी पसंद है, काफी पसंद है। ये नहीं उनको सब्जी पसंद है तो मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, दोनों लोगों को पसंद है। और मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो ये बोले ये बिल्कुल बनाया नहीं, सब खराब हो गया, क्योंकि हो भी गया 2-3 दिन, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ही बना लिया। क्योंकि और थोड़ा सा मिक्स वेज बनाना है, मिक्स बैगन वगैरह डाल के, पालक वगैरह में सीम डाल के बनाऊंगी ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मौसम ही आ गया थोड़ा सर्दी वाला, तो अब तो सबसे अच्छा लगता है मुझे कि खाना खराब नहीं होता है। सब्जी ज्यादा बना के रख लो तो आपके रात में भी गर्म करके आप खा सकते, ये चीजें हो जाती है। यदि एक टाइम का खाना सब्जी वगैरह या बच गया ना, तो आप उस टाइम में कुछ और काम कर सकते हो। तो मैं तो वही ऐसे करती हूँ, यदि सब्जी बच गई तो मैं रख देती हूँ, गर्म करके खा लेती हूँ, या सिर्फ रोटी बना लेती हूँ। ये और ऐसे मैं बना रही हूँ थोड़े थोड़े सब्जी, बचने वाले नहीं है। पांडे जी है नहीं, पांडे जी जयपुर गए हैं। बस यही चल रहा है हमारे वीडियोस। बहुत लोग एक ही डिमांड रहता है रेगुलर वीडियो, लेकिन रेगुलर वीडियो क्या डालू, वही खाना पीना, वही खाना पीना। कुछ लोग तो बोर हो जाते होंगे मेरा खाना पीना देख देख के। लाइफ में जो चलेगा वही चीजें मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप लोग हमारी वीडियोस देखते नहीं हो, देखोगे तभी तो थोड़े भी उसमें नए थोड़े नहीं हो जाते हैं ना। आप लोग मोटिवेट भी नहीं करते हो, मैं इतने सालों से वीडियोस बना रही हूँ लेकिन हमारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आते। ऐसे तो सच कहें तो अब हर लोग यूट्यूब कुछ होता है तो यूट्यूब खोल के बैठ जाएगा, यूट्यूब खोल के बैठ जाएगा कि मेरा भी यूट्यूब का चैनल है। सिर्फ यूट्यूब खोलने से नहीं होगा, उसमें वीडियो भी डालना पड़ता है। वीडियो डालो, उसको सही से रखो अपने चैनल को। यदि मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ तो बिल्कुल सही, उतना व्यूज तो नहीं आता है, बट हाँ एवरेज ठीक रहता है, वॉच टाइम से पता चलता है यहाँ ठीक है। सिर्फ खोल लेने से थोड़ी होता है, खोल लिया वीडियोस डालो। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसी वजह है कि अब मैं छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी यूट्यूब। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है मेरी किस्मत साथ ना दो, दे आपकी किस्मत साथ दे तो आप वीडियो डालिए। मैं तो यही कहूंगी जिस जिसने भी चैनल खोला है यूट्यूब का, वीडियो डालिए YouTube। क्या पता मेरी तकदीर साथ ना नहीं दे रही है, आपकी दे दे, इसीलिए वीडियो तो डालना चाहिए। तकदीर तकदीर की बात होती है, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती, क्या पता आपकी बदल जाए। मैं तो ऐसे बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ के भी बहुत सारे इशू रहते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो डालू और अच्छी सी वीडियो डालू। इतनी इतनी बुरी वीडियो उतनी ही होती नहीं है, फिर हम थोड़ी सी व्यूज की कमी होती है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो तो हमें अच्छा खासा व्यूज मिल जाए। चलिए मैं इसी बात पे सीन कट कर लेती हूँ। और आज मुझे झाड़ू मैंने लगा दिया है, झाड़ू मैंने लगा दिया है। आज मेरी मेल नहीं आई है और वो 4 दिन 3 दिन की छुट्टी पे है वो, क्योंकि पिछले महीने भी उसकी छुट्टियां बची थी और इस महीने की भी उसकी छुट्टियां बची है। करवा चौथ पे भी वो छुट्टी नहीं ली, सोचिए फास्ट था, उसके बाद भी उसने छुट्टी नहीं लिया जो क्या वो करवा चौथ करती है।
अब वो गई है गांव धान वगैरह समेटने के लिए। धान समझते हो ना, धान। वही गई है गांव, वो लोग अपना आ जाएंगे। मैं सोची चलो आज तो मुझे बहुत सारा काम है जो करना है, तो मैं सोची सबसे पहले सब्जी पे हमला कर देती हूँ। सब्जी वगैरह मैं बना के रख लेती हूँ थोड़ा सा, तो फिर आधा काम हो जाएगा ना, तो फिर पोछे वोछे लगा लूंगी, पूजा का बर्तन साफ कर लूंगी, तो सारा काम मुझे करना है। आज पांडे जी भी आज आएंगे नहीं, पांडे जी ऐसे गए तो कन्हे हैं तो आएंगे नहीं यार। दीपावली की भी थोड़े बहुत साफ सफाई करनी है, हल्की फल्की करूंगी, बाकी तो साफ है। मैं तो साफ करती रहती हूँ, मैं ज्यादा गंदगी कहीं है नहीं हमारा, बट फिर भी थोड़ा सा करेंगे। और हमारा वॉलपेपर तो नहीं लगा, और हमारी एक फ्रेंड्स की वीडियो देख रही थी तो वो अपने घर में वॉलपेपर लगवा रही है। तो तुम्हारा वॉलपेपर बहुत सुंदर है, मैंने देखा, मैंने पूरी वीडियो देखा, बट तुमने वीडियो छोटी डाली है। बहुत सुंदर वॉलपेपर है, मुझे भी बताना, मैं भी किस तरह का लगवाऊं, मैं भी सोच रही हूँ कि लगवाऊंगी, लेकिन पता नहीं पांडे जी का कब टीम बनेगा। अब मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड थोड़ी सी अपने लिए ना कॉफी बना लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ बन रही है मेरी सब्जी, देखो बन गई। मेरी बन गई फ्रेंड कॉफी। चलिए मैं हो गई रेडी और मैं चलिए पूजा करने। आर्यन आ गया फ्रेंड स्कूल से, और देख रहे हैं ये क्या है, नया डिजाइन। बैग आएगा तो इसी जगह छोड़ देगा। और मैंने दिया था लल्ला को खाने के लिए दही और चीनी, मेरे लल्ला ने खा लिया। अब ये दिखा रही हूँ ऊपर कितने फूल है, तो तोड़ते ने ये देख रहे हो, चार चार फूल पड़े हैं ऊपर। देखिए फ्रेंड रात के 10:30 बज रहे हैं, जो 10:30 बजे बच्चे सो जाते हैं, और हमारे घर में देखिए क्या फैला के रखी है। ये देखिए अभी मैं पापा को फोन करती हूँ और बताती हूँ तुम्हारी सारी बदमाशी में।
जी साढ़े निकाल के बता देना। नहीं देखो इतने सारे भी फैलाने की क्या जरूरत है, अभी टाइम पे सोओगे तो तभी टाइम पे उठोगे ना सुबह। हाँ अभी मैं बताती हूँ पापा को फोन करके। आज भी स्कूल निकल, कल भी ऐसे करके। हाँ आपने नहीं उठाया, आपकी गलती। उठती कहाँ है, आपको पता है मैंने उठाया है कि नहीं उठाया है? ये यदि एक बार सोती है तो ये उठना नहीं चाहती है, इसका बड़ा मतलब बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है इसके साथ में। पहले तो सोएगी नहीं ये जल्दी, अब सोएगी तो उठेगी नहीं जल्दी। मैंने सो के देख लिया, 12 बजे उठता हूँ मैं, कुछ नहीं होता जल्दी सोने से, मेरे को पता नहीं होता। बता रही हूँ मैं पापा को फोन कर रही हूँ अभी, देखो बताती हूँ मैं पापा को कि देखिए क्या हालत बना रखी है मैडम। बता दो, बोल रही है बता दो। ये अभी ये आधा घंटा तो लगाएगी इसको समेटने में। हाँ जब मैं कुछ काम करता तभी मुझे नींद आती, आधा घंटा ऐसे पड़े रहूंगा सोफे पर, इससे अच्छा कुछ काम कर लूं। सोफे पे क्यों सोना, बेड लगे हैं घर में तो बेड पे भी नहीं नींद ही नहीं आएगी। सोफे पे नींद आती है आजकल मैडम को, सोफे पे सो जाती है।